लाइन से खड़ी करो, सड़ी आग लगा दो पेट्रोल लगा। सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है वही, सबसे बढ़िया कि पेट्रोल का। ब्रो आज तो यू भी भैया तो इसकी विपिन चाचा की गाड़ी ही बची है, ड्राइवर चेंज होते कांड। भाई साहब, भाई साहब ने टेक ओवर कर लिया है जी। आगे इससे ज्यादा क्या जाएगी भैया, आपसे पहले जा रहे हैं। अरे भाई साहब रिजेक्ट है ना भैया, रिजेक्ट रिजेक्ट। A few moments later, हिसाब का मन भर गया। ड्राइवर वापस से, ये भी तो सही है यार, हद हो गई है, कितनी बढ़िया। अब वो वाली बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है सारे के सारे, तो वो चक्कर वैसा ब्रेक ब्रेक उत्ते। अब जैसे इसका इलेक्ट्रिक है स्टेयरिंग, इसका सेम स्टेयरिंग अपने को थार रॉक्स में मिलेगा एज इट इज, सेम है बिल्कुल, दोनों का प्लेटफॉर्म सेम है, सब कुछ सेम है, दोनों गाड़ियों का कोई अंतर नहीं है। The next day, ऐसे कोई लिफ्ट दे सकता है क्या? अभी मांगे, इससे मांगते देखते हैं लड़की कोई हमें लिफ्ट देगा कि नहीं देगा। अक्सर लड़कियों को तो सब लोग लिफ्ट दे देते हैं, भाई हमें कोई दे सकता है क्या, देखते हैं, कोशिश करते हैं, करेंगे। मिल गया, बड़े जेन्युइन अंकल भाई, इन्होंने तो कुछ नहीं पूछा तक नहीं भाई कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, बस हमें छोड़ दिया। तो बस अब हम आ गए, अब हमें जाना क्रॉस करना है रोड, क्योंकि हमारी गाड़ी वहीं पे आएगी। One hour later. चौराहे पे हमारा रिक्शा खाएंगे, तो पता नहीं किसमें आया भैया, वैन आई है क्या है पता नहीं, देखते हैं भाई। ओके यही दिखता है भाई, वाह। कतई रॉकेट बना रखी भाई गाड़ी को तुमने, ओला का तो बहुत बुरा हाल है, सारी ओला ही ओला ओला इसी वजह से खड़ी है, नई है कि पुरानी है, ये सब पुरानी गाड़ी है जिनमें कुछ न कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो भी हमारी गाड़ी को भी उतारना है भाई। जो बोलते हैं ना कि इतनी गाड़ियां पड़ी हुई है ना कि जिनका कोई धनी धोरी है नहीं, सबकी सबकी बैंड बजी हुई है सारी गाड़ियां, और इनके पास पार्ट भी नहीं है, एक भी पार्ट नहीं है इनके पास। बेल्ट होगी ना यार तुम्हारे पास, अभी कोई होगी तो लगा दो ना यार, काम चल जाएगा यार, पिछले 6 दिन से तो चल रही है। पर्टिकुलर हम जैसे ऑर्डर लगाते तो उसी गाड़ी की आती है जिसका ऑर्डर लगा हुआ था, ऐसा तो कुछ होगा नहीं ना भाई कि उस पे ऐसे कोई सीरियल नंबर होगा इस चीज नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं होता। बट वो कस्टमर भी तो 15-15 दिन से खड़ी कर गया ना भैया, जैसे आप बोल रहे हो अब आपकी में किसी और के लगा तो आपको कैसा लगे, अगर वो 15 दिन से वेट कर रहा है नहीं तो इतना इतना वेटिंग क्यों है मेरे भाई, ये बता। पार्ट नहीं आ रहे आगे, सभी गाड़ियों में टूट गए, सारे सर्विस सेंटर खुला है, और 3900 रुपए की बेल्ट यार, 3900 ना भाई साहब, ऐसा क्या है। और वो वैसे इससे बढ़िया तो वो अपने गांव में मोटर वाली पंप आती वो लगा लो साला, ऐसे बेल्ट वो चल जाएगी ज्यादा यार, वो लगाने वाला ही नाटक कर रहा है। ऐसा करो भाई कुछ नहीं है, देखो सारी गाड़ी अब लाइन से खड़ी करो, सड़ी आग लगा दो पेट्रोल लगा, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है वही, सबसे बढ़िया कि पेट्रोल का रोजमर्रा। चलो मेरी गाड़ी का डिलीवरी ले लो, मेरी गाड़ी को आप हैंड ओवर ले लो, वो कर लो, मेरे को फिर करो, मैं जाऊंगा फिर देखेंगे आगे किससे लड़ना है, क्योंकि यहाँ तो कुछ होगा नहीं, यहाँ तो कुछ होगा। 15 अगस्त की मैं बता रहा हूँ, मेरी 6 दिन से तो मेरी रोड उसमें पड़ी है, बेल्ट टूट के पड़ी है गाड़ी, और 5000 चली मेरी गाड़ी, 3000 उसके अंदर मेरी बेल्ट टूट गई, और बेल्ट ऐसे ऐसे नहीं जैसे बोलते ना कि वैसे निकले हैं उसके, तो इसका मतलब फर्जी प्रोडक्ट लगा रहे हैं लोग, प्योरली फर्जी प्रोडक्ट लगा रहे हैं, कि जो कि फर्जी प्रोडक्ट पूरा गड़बड़ है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि 20-15 दिन का टाइम लगेगा, 7 दिन लगेगा, मैं बता रहा हूँ मेरे पास 25 दिन हो गए, और इतना बेचने के लिए इनको गलती से कि उस पे ओला पे वो जाके ना एक बार इंक्वायरी डाल दो भाई साहब, दिन के 50 फोन आ जाएंगे, दिन के 50 फोन आएंगे कि भाई साहब ये ले लो, ये है वो है, इसलिए तुम लोगों को भैया है ही नहीं तो कहाँ से दूँ यार, कुछ तो दो कि मेरी गाड़ी क्या ऐसे छोड़ जाऊँ मैं रास्ते में। जॉब कार्ड ओपन हो गया ना, तो जॉब कार्ड की कॉपी दे दो, कॉपी नहीं आप फोटो खींचना ऑनलाइन भाई। बैंड बजी है यहाँ पर ना बहुत ही ज्यादा, नहीं निहायत ही बहुत बुरा, ये कम है ये ज्यादा है, ये सारी खराब है, सब में
कुछ ना कुछ इश्यूज हैं मेरी गाड़ी वहाँ। जो पार्ट खुला हुआ है ये मेरी है भाई, जो छोड़ दिया मैंने। भैया रोला, आपके पास कोई चीज़ नहीं है बेसिकली। मैं आया हूँ यहाँ पर स्टोर पे, इनके कह सकते हैं कि सर्विस सेंटर पर। सर्विस सेंटर पे आने के बाद इन लोगों के जवाब हैं कि भाई आपको गाड़ी में सिर्फ एक बेल्ट आने के लिए आपको 6 से 7 दिन लगे, और 6 से 7 दिन के बाद भी ये कह रहे हैं कि भैया उसका जो पैसा है चार्जेस है 3900, दैट्स ओके, ठीक है चार्जेज है, लेकिन कोई टाइम लिमिट होगी। इनके हिसाब से इनकी जो बेल्ट की टाइम लिमिट है वो 10,000 तक चलती है, हमारी टूटी है सिर्फ 5,000 पे। और उसके बाद इनका भी अगर 6 दिन से गाड़ी बाहर खड़ी है, उसके बाद अभी पता नहीं कितने दिन ये छह बाहर रहेगी, तो लेट्स होप कितने दिन में आती है। सबसे पहले तो वो चीज़ें करते हैं भैया ओला वालों, कुछ तो रहम करो। अगर गाड़ी आपके पास है ही नहीं, लिटरली बेचने को कुछ है ही नहीं, तो बेच क्यों रहे हो? आपके पास ना सर्विस सेंटर पे कुछ फैसिलिटी है, इतनी सारी गाड़ी है जिसको बोलते हैं ना कम से कम यहाँ 150 गाड़ी है जो बाहर खड़ी है, जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल 150 गाड़ी बाहर रोड पे खड़ी है, एंड तक पूरा ना गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ गाड़ी है, जिसको बोलते हैं ना ओला ही है सारी की सारी। और जिनमें कोई माइनर सा किसी में बेल्ट है, किसी में क्या है, इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं। जो कहते हैं ना हमारी 5,000 चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5,000 चल रही है, उसमें ओला का है। और ये मेरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अकेले का हाल नहीं है, ये देखो सारी स्कूटी, ये कोई नई स्कूटी नहीं है, आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ नई स्कूटी, ये सारी वो स्कूटीज है जो खराब है सारी की सारी, बिल्कुल जिसको बोलते ना भयंकर तरीके से खराब पड़ी है, और इतनी ही गाड़ियाँ अंदर है। तो ऑलमोस्ट इस स्टोर पर मुझे कह सकता है 300 से 400 गाड़ियाँ जो खराब हालत के अंदर पड़ी हुई है। तेरे तो एक और आ गई, तीन गाड़ियाँ तो दो है, मेरी गाड़ी के पास एक और आ गई। ओके योगी जी आ गए क्या? चलिए योगी जी आप ही यहाँ आज के सुकून, नहीं तो इन लोगों ने तो खूब खून पी लिया मेरा, इन लोगों ने तो खूब खून पी लिया ओला वालों ने। अरे गला बहुत बुरा हाल है यार, स्कूटी खराब हो जाती है, लेना मत गलती से मत लेना ओला, अगर कोई कहे ना जिद करके उसको भाटा मारना। ओला के स्कूटर गलती से भी मत लेना, ठीक है? बिल्कुल नहीं लेना, अगर कोई गलती से बोले ना भाई ये अच्छा है वो अच्छा, सबसे बेकार है हाँ ओला कंपनी का, बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि इतना गड़बड़ है ना पूछो मत। और गड़बड़ एक बार हो गया ना 10,000 से नीचे बिल नहीं बैठाएगा, हाँ इसीलिए